एक भी शब्द बोले आप चीन के बारे में? 20 बेटे खोए हमने, बेटा के बदले डाटा बदलोगे चीन का? स्मृति ईरानी को देखा है? अरे पृथ्वी का जितना घेराव है उनसे ज्यादा घेराव तो उनकी कमर का है। चद्दर बिछा के राफेल विमान बनेंगी आप, चीन पर हमला करेंगी क्या? नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, जिता लो। अब खा रहे हो ना बेटा नून रोटी? सपने में काजल निषाद आती है क्या भाला लेकर? अरे मिल गए ना किसी दिन तो वही भाला घोप देंगे तुम्हारी छाती में और फिर कहेंगे अब बोल बेटा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री जी को जो है चीन पर बोलना था और चना खिलाकर चले गए भारतवासियों को। अरे कहां गई वो बुलंदाबाज? हमको जो है चून कर भेजा है, हम अगर चून कर आएंगे तो दाम कम करेंगे, 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐ गटर, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और गटर चिल्लाया ये हो जाएगी, हो जाएगी, मोदी मोदी। और फिर मोदी जी बोले देख रहे हो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, और सब बोले वाह मोदी मोदी। अरे हम तो कहते हैं पेट्रोल पंप पर एक तख्ती लगा दो और कह दो आम जनता के लिए 80 रुपए और जो मोदी भक्त है उसके लिए 180 रुपए, फिर देखो देखो फिर भक्ति कैसे झर जाती है। सब नशा उतर जाएगा। नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, जिता लो। अब खा रहे हो ना बेटा नून रोटी? अब क्या बोल रहे हो, वही खा रहे हो गोबर अभी तक? अरे हाँ 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 खाओगे, तुम्हारी साध्वी जी बोली थी रोटी पर बटर की तरह गोबर लगा के खाओ, वही खा रहे हो अभी तक? तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती, तुम्हारी वजह से जो है मोदी जी गालियां खा रहे हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से। ठीक, मुझे देख लो इतना अच्छे से बोलती थी, किसी को पचा नहीं और तब कोई मैसेज भी नहीं आया, मैडम आप कितने अच्छे से बोलती हो। और जब आवाज उठाई एक भारत की नारी ने तब शालीनता सिखाओगे हैं? चल तुमको क्या लगता है तुम्हारी बातें सुन लूंगी मैं? गलत फहमी में मत रहना बेटा। तुम लोग मोदी भक्त अपने आप को कहते हो, तुम खुद मोदी जी का नहीं सुनते हो। कितने लोग जो है मोदी मोदी करते हैं और मोदी जी का सुनते नहीं है, मोदी जी की ही बात नहीं सुनते हैं। तुम कहोगे कैसे, क्यों? मोदी जी जो है वो योगा दिवस के बारे में कितनी बातें करते हैं, योगा करो, स्वस्थ रहो, फिट रहो। क्यों, तुम्हारी अम्मा को देखा है? स्मृति ईरानी को देखा है? अरे पृथ्वी का जितना घेराव है उनसे ज्यादा घेराव तो उनकी कमर का है। चद्दर बिछा के राफेल विमान बनेंगी आप, चीन पर हमला करेंगी क्या? पार्टी में एकता है नहीं? एकता कपूर की सीरियल करेंगी, भारत में एकता की बात नहीं करेगी, एकता तोड़ने की बात करेंगी आप? हाँ आप लोग कभी ख्वाजा जी को, कभी तबलीकी जमात, हिंदुओं के देवताओं के नेता बना, ये धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे आप लोग? और आपको क्या लगता है जनता माफ कर देगी? देख रहे हो कैसे अर्थी बनाई है सब लोगों ने, पूजा पाठ चालू हो गई है। अब उनको तो हम जानते भी नहीं है, बताओ, वो तो भारत की जनता है। और तुम लोग को लगता है काजल बहुत विरोध करती है? अरे तुम्हारा विरोध नहीं करती हूँ, तुम्हारी गलत नीतियां जो है ना भारत के लिए उसका विरोध करती हूँ। सोचो समझो, पढ़े लिखो गोबर, और तुम्हारा जो प्रतीक है कमल, जो कीचड़ से निकलता है, जो कुछ सुअर जो कीचड़ में रहते हैं वो निकालते हैं कमल को, वो कमल जो है ना वो बहुत अच्छा माना जाता है, वो है लक्ष्मी का प्रतीक। बदनाम कर दिया तुमने कमल को, अब फिर से कीचड़ में दबता जा रहा है कमल, मुरझा गया है, दब रहा है कमल, कह रहा है अरे स्मृति मैडम उतरिए, बहुत ज्यादा वजन हो गया आपका।
दब जाएंगे हम, अपनी पार्टी को बदनाम कर दिया। आपकी पार्टी बुरी नहीं थी, बहुत ऊंची थी। अटल जी का मान सम्मान करती हूं मैं भाई, करती हूं। अटल जी बहुत ही अच्छे नेता थे, और मोदी जी का आपका भी मान सम्मान मैंने किया था। लेकिन अब आपकी हरकत देख लो, एक भी शब्द बोले आप चीन के बारे में। 20 बेटे खोए हमने, बेटा के बदले डाटा बदलोगे चीन का, कुछ ऐप बंद करके आप बदला लोगे शहीदों का, अपमान करते हो, इसीलिए मैं तुम लोग के खिलाफ। और बेटा ये आवाज दबने वाली नहीं है,